तो भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि उसके विरह में कितना रो रहा हूं देखो पागलों की तरह। और धार्मिक लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन की हो तो पत्नी की ऐसे रक्षा करनी चाहिए। अपने प्रेमियों को शिक्षा दे रहे हैं तो जब लक्ष्मण को मूर्छा आ गई तो रो रहे हैं उसके लिए, है ना, कि तुम्हारे जैसे भाई, अरे मैं कभी रावण पर चढ़ा, कभी मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करता, अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई खो जाएगा, लक्ष्मण तुम मारे जाओगे, मैं कभी युद्ध नहीं करता, जाती सीता तो जाए मगर मैं कभी युद्ध नहीं करता। तो वो भगवान दिखा रहे हैं अपने प्रेमी अपने भक्तों को, साधारण भक्तों को दिखा रहे हैं कि मैं कितना भक्तवत्सल हूँ, कितना अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। और दूसरी ओर धर्म की शिक्षा देने का समय आया तो उस लक्ष्मण को भी छोड़ दिए। एक बार की बात है, देवताओं के दूत आए थे राम जी से मीटिंग करने के लिए। तो वो देवदूत जो आया वो बोला राम जी को कि मीटिंग के टाइम अगर कोई आया तो आप उसको मार देंगे। राम जी बोले ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, ऐसी GVC मीटिंग जैसे, मतलब बीच में कोई आया बहुत बड़ा, तो हाँ कर दिए। अब हुआ क्या कि राम जी का दर्शन करने के लिए दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे कि मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अब जब दुर्वासा की शक्ल देखे तो लक्ष्मण जी के भी, इनको मना भी नहीं कर सकते, तो बोले कि भगवान एक बार पूछ के आ जाओ, पूछ के आ जाओ। अब गए लक्ष्मण जी, जैसे ही लक्ष्मण जी अंदर एंट्री मारे राम जी की नजर चली गई, लक्ष्मण आ गया, तुरंत धनुष बाण उठा लिए कि मैं तो सौगंध खाया था, तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मैं तो सौगंध खाया था कि जो आ जाएगा उसको मार दूंगा। तो अब लक्ष्मण ही आ गया तो क्या किए, धनुष बाण उठा लिए कि इसको मार देंगे। तब तक वशिष्ठ मुनि बोले कि देखो अपने किसी स्वजन का परित्याग करना उसका मर्डर करने जैसा है, तो आप लक्ष्मण को त्याग कर दो। तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण का भी त्याग कर दिए। उसी लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। और धर्म की शिक्षा देने का समय आया तो उसी लक्ष्मण का त्याग कर दिया।